तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर यूज्ड इन इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में यूज होने वाले फ्लो मीटर के टाइप्स के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। यानी कि इंडस्ट्री में जितने टाइप के फ्लो मीटर यूज होता है उसके कितने टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग इंडस्ट्री में यूज होने वाले वेरियस टाइप ऑफ फ्लो मीटर के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो फ्लो मीटर है इसका मतलब क्या है। तो देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फ्लो मीटर यानी यह एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग फ्लो मेजर करते हैं, है ना। फ्लो किस चीज़ का फ्लो, जैसे कि कोई भी पाइपलाइन में अगर वाटर फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, या गैस फ्लो हो रहा है, या स्टीम फ्लो हो रहा है, तो उसका क्या क्वांटिटी से फ्लो हो रहा है ना, उसका क्या अमाउंट है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग इस फ्लो मीटर की मदद से हम लोग मेजर करते हैं। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो फ्लो है, फ्लो किसके बराबर होता है, तो फ्लो इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। ये चीज हम लोग जानते हैं कि अगर किसी पाइपलाइन से हमारा अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसका फ्लो कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग उस पाइपलाइन का पहले एरिया पता कर लेंगे और जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका हम लोग वेलोसिटी पता कर लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फ्लो मिल जाएगा। ये तो हम लोग बेसिक चीज जानते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से डायरेक्टली हम लोग जो फ्लो है उसको मेजर करते हैं। तो देखिए, इस इक्वेशन से यानी इस फॉर्मूला से आपको डायरेक्टली ये चीज़ तो पता चल गया कि ये जो हमारा फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया का, और ये जो हमारा फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, वेलोसिटी का। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो उस पाइपलाइन के अंदर आपका फ्लो भी बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी, अगर उस फ्लूइड का वेलोसिटी भी बढ़ा रहे हैं तो उसका जो फ्लो है वो भी बढ़ेगा। यानी कि एरिया सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, उसका फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से डायरेक्टली हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग एरिया को बढ़ा रहे हैं तो फ्लो बढ़ रहा है, और एरिया को कम करेंगे तो हमारा फ्लो कम होगा। सिमिलरली अगर आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं फ्लूइड का तो आपका फ्लो बढ़ेगा, और वेलोसिटी कम कर रहे हैं तो आपका जो फ्लो है वो कम होगा। इसका मतलब कि अगर आप एरिया पता कर ले रहे हैं कि आपका एरिया कितना है और कितना कम या ज़्यादा हो रहा है तो आप डायरेक्टली फ्लो फाइंड आउट कर सकते हैं, या वेलोसिटी अगर आपका लिक्विड का पता चल गया तो आप क्या फ्लो पता कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमारा जो फ्लो मीटर है वो पहले पार्ट में डिवाइड होता है कि हमारा वेलोसिटी टाइप, यानी कि ये जो हमारा फ्लो मीटर है वो सबसे पहले किस टाइप में होगा, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे ग्राफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा आता है वेलोसिटी टाइप, और ये जो वेलोसिटी टाइप का जो हमारा फ्लो मीटर है इसमें डिफरेंट टाइप के हमारा जो फ्लो मीटर है वो यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा मैग्नेटिक फ्लो मीटर है, पहला है मैग्नेटिक, और दूसरा हमारा अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, ठीक है। इसी में हमारा आता है टरबाइन फ्लो मीटर, टरबाइन फ्लो मीटर, और एक होता है हमारा वॉर्टेक्स, वॉर्टेक्स फ्लो मीटर। तो ये कैसे वर्क करता है, यानी कि मैग्नेटिक टाइप का जो फ्लो मीटर है वो कैसे काम करता है, या अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर कैसे काम करता है, या टरबाइन टाइप का जो फ्लो मीटर है कैसे काम करता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसके जो टाइप है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जितने भी हमने लिखा है ये डायरेक्टली वेलोसिटी को मेजर करके फ्लो दिखाता है, यानी कि इस इक्विपमेंट में हमारा डायरेक्टली वेलोसिटी चेंज होता है और उसी के प्रोपोर्शनल में हमारा फ्लो है, तो डायरेक्टली हम लोग फ्लो फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोग ये अगर दूसरा बात करें यानी कि एरिया के बात करें, तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात किए थे रोटामीटर, रोटामीटर क्या है, वह एक वेरिएबल एरिया टाइप का है। तो दूसरा हमारा आता है वेरिएबल एरिया टाइप। इसमें क्या आ जाता है, तो वेरिएबल एरिया में हमारा जो रोटामीटर है
वो आता है। तो देखिए ये रोटामीटर कैसे काम करता है, इसके लिए मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज इसको देख लीजिएगा कि वेरिएबल एरिया टाइप का जो फ्लो मीटर है वो कैसे वर्क करता है। तो रोटामीटर वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि एक रोटामीटर में हमारा टैपर ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब होता है और एक हमारा फ्लॉट था जो कि एक ऐसे फ्लॉट आपको देखने को मिला होगा, और ये जो फ्लॉट है एक हमारा वायर से ऐसे मतलब कि एक कनेक्टिंग वायर या सपोर्ट वायर बोलेंगे इसे आप कनेक्ट रहेगा, और जैसे जैसे हमारा फ्लॉट ऊपर की तरफ जा रहा था यानी कि नीचे से पानी का फ्लो जैसे जैसे जा रहा था हमारा जो एरिया है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और यही जो एरिया हम लोग जैसे चेंज करेंगे तो हम लोग जानते हैं जो फ्लो है वो भी चेंज होगा। तो इसी से हम लोग डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर लेते थे कि हमारा जो फ्लो है वो कितना है। तो ये था हमारा वेरिएबल एरिया यानी कि एरिया जो इसका वेरिएबल कर रहा है, और इसमें क्या करेंगे डायरेक्टली हमारा जो वेलोसिटी है वो कितना चेंज हो रहा है उसी से हम लोग डायरेक्टली फ्लो को पता कर लेंगे। तो ये हो गया मेनली वेलोसिटी टाइप और वेरिएबल टाइप। अब इंडस्ट्री में और भी टाइप के जो फ्लो मीटर है उसको यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा डिफरेंशियल प्रेशर टाइप फ्लो मीटर, एक हमारा होता है कौन सा, तो डिफरेंशियल प्रेशर टाइप फ्लो मीटर। इस टाइप के फ्लो मीटर का हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन के द्वारा हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्रेशर है वो वेलोसिटी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो कैसा रिलेशन है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, यानी कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो आपका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि अगर आप डायरेक्टली प्रेशर मेजर कर लेते हैं दो जगह का, यानी कि किसी दो पॉइंट में अगर आप प्रेशर मेजर कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप वेलोसिटी को भी मेजर कर लिए, क्योंकि अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज होगा, अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो आपका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए इंडस्ट्री में इस प्रिंसिपल पे भी हमारा बहुत सारे जो फ्लो मीटर है उसका यूज किया जाता है। तो डिफरेंशियल प्रेशर टाइप का जो फ्लो मीटर है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा जो ओरिफिस फ्लो मीटर है, ओरिफिस फ्लो मीटर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस ओरिफिस फ्लो मीटर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं और जो फ्लो है उसको फाइंड आउट करते हैं, और ये जो ऑरिफिस फ्लो मीटर है वो कितने टाइप का होता है, जैसे कि हमारा कॉन्सेंट्रिक होता है, इसेंट्रिक होता है या सेगमेंट टाइप का होता है, इसका क्या यूज है और कहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रिक यूज करेंगे, कहाँ इसेंट्रिक या कहाँ हम लोग सेगमेंट टाइप का यूज करेंगे, उसके बारे में हम लोग उस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हम लोग केवल वेरियस टाइप के बारे में समझ लेते हैं, और डिफरेंशियल प्रेशर टाइप फ्लो मीटर में ही हमारा आता है कौन सा, तो एक होता है वेंचुरी फ्लो मीटर, वेंचुरी फ्लो मीटर। इस फ्लो मीटर में भी हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट पे प्रेशर जो है वो डिफरेंस फाइंड आउट करके डायरेक्टली हम लोग फ्लो में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि हम लोग उसका जो आउटपुट मिलता है प्रेशर डिफरेंस का उसी से हम लोग डायरेक्टली फ्लो पता कर लेते हैं। वैसे ही हमारा वेंचुरी के बाद एक होता है फ्लो नोजल टाइप का होता है, फ्लो नोजल। वही अगर बात करें पिटर ट्यूब तो ये भी इसी के अंदर आता है, पिटर ट्यूब भी जो है वो भी हमारा डिफरेंशियल प्रेशर पे ही काम करता है, या एनोबार जो होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये सब जितने भी फ्लो मीटर है अगर आप लोग बोलेंगे तो डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री में मेनली हमारा ये जो तीन फ्लो मीटर है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड तरीके से यूज होता है, बाकी ये सब तो यूज होता ही है। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा फ्लो मीटर है वो है मास फ्लो मीटर, मास फ्लो मीटर। इस टाइप का जो फ्लो मीटर है इसमें डायरेक्टली हम लोग मास फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि पाइपलाइन में जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका कितना अमाउंट है उसको डायरेक्टली हम लोग इस फ्लो मीटर से फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारा कोरियोलिस फ्लो मीटर, और दूसरा है हमारा थर्मल मास फ्लो मीटर। तो ये दोनों फ्लो मीटर कैसे करता है काम, यानी कि कोरियोलिस फ्लो मीटर या थर्मल मास फ्लो मीटर कैसे काम करता है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, ओरिफिस फ्लो मीटर, वेंचुरी फ्लो मीटर, फ्लो नोजल
पाइटर ट्यूब, ये सारे जितने भी फ्लो मीटर है, मैग्नेटिक हो गया, अल्ट्रासोनिक टर्बाइन, वॉर्टेक्स, सभी के बारे में हम लोग एक सेपरेट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था एक बहुत ही बेसिक सा, जिसमें हम लोग समझ लिए कि इंडस्ट्री में कितने टाइप का जो फ्लो मीटर है उसका यूज होता है। तो ये हुआ ऑल अबाउट। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर प्वाइंट डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।